वेलकम टू अनअकैडमी। दिस इज थ्रोबैक थर्सडे एंड क्योंकि इस बार के थ्रोबैक थर्सडे में दैट इज ऑन 16th of January आपका कोई भी स्पेशल डे नहीं था, तो मैंने उसके आसपास का एक डे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो आर्मी डे है, जो उसके बारे में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी। सो अगेन आई एम खुशबू चतुर्वेदी, और अगर आपको लगता है कि आपने जुड़ना है मेरे प्लस कोर्स के साथ में तो यू कैन यूज माई रेफरल कोड खुशबू लाइव। सो आर्मी डे के बारे में बात करेंगे। आर्मी डे अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो आर्मी है जो हमें सेव करती है, सिक्योर करती है, एंड हम लोग चैन से अपने घरों में बैठ करके अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। सो इस आर्मी डे को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है एंड क्या इसका बैकग्राउंड है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे समझ लेंगे। सो आइए फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं इस आर्मी डे की इंपॉर्टेंस को, जो कि आपका 15 जनवरी को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। सो अगर मैं बात करूं कि आर्मी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैनी ईयर्स अगो लाइक 72 ईयर्स हो गए हमें, और 15 जनवरी 1949 को आपका फर्स्ट आर्मी डे वॉज सेलिब्रेट देन उस वक्त सेलिब्रेट किया गया था। सो आपको मैं बेसिकली बता दूं कि जनरल करियप्पा के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। द आर्मी डे सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी एवरी ईयर इन इंडिया। ठीक है, हम इंडिया की बात करें, इन द रिकॉग्निशन ऑफ फील्ड मार्शल कोंडन डेरा एम करियप्पा, नाम थोड़ा सा कठिन है, उस वक्त क्या थे आपके लेफ्टिनेंट जनरल थे, बट इन्होंने क्या किया, टेकिंग ओवर एज अ फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी फ्रॉम जनरल सर फ्रांसिस बचर, द लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया। यानी कि आपके सर फ्रांसिस बचर थे, वो आपके लास्ट कमांडर इन चीफ थे इंडिया में, और उनका प्लेस लेते हुए जनरल करियप्पा ने आपका फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ का पद संभाला था ऑन 15 जनवरी 1949। सो द डे इज सेलिब्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ परेड्स एंड अदर मिलिट्री शोज इन द नेशनल कैपिटल रीजन लाइक आपका न्यू दिल्ली एज वेल एज इन द हेडक्वार्टर्स। तो ये आपका क्या है, एक आपका बैकग्राउंड है जो आपको पता चले कि भाई क्यों हम आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको भी बेसिक पता चल गया होगा। देन इस बार की मैं अगर बात करूं कि दिस ईयर व्हाट हैपेंड इन द आर्मी डे, सो आप बोलोगे कि ऑन द 15th जनवरी 2020 इंडिया सेलिब्रेटेड इट 72nd इंडियन आर्मी डे न्यू दिल्ली। ओके, आर्मी डे मार्क्स अ डे टू सैल्यूट द वेलियंट सोल्जर्स हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट द कंट्री एंड इट्स सिटीजन। ये हम सभी को पता है कि जो आपके आर्मी मैन करते हैं या आर्मी में इन्वॉल्व हर एक आपका बंदा करता है, वो कोई भी नहीं कर सकता। हम अपने घर में सेफ हैं, सुरक्षित हैं, हम हर तरीके की एमिनिटीज को एंजॉय कर रहे हैं, बट दे आर नॉट, दे आर सर्वाइविंग इन द वेरी टफ सिचुएशंस। सो हमें उनको सल्यूट करना चाहिए, एंड उन्हीं के जितने भी डिवोशंस हैं या उनके जितने भी डेडिकेशंस हैं, उनके जितने भी सेक्रीफाइसेस हैं, उनके लिए ये डे आपका बहुत ही कम है, और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा ही हम लोग को इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। सो व्हाइल सेलिब्रेशंस टेक प्लेस अक्रॉस द कंट्री, द मेन आर्मी डे परेड इज कंडक्टेड इन द करियप्पा परेड ग्राउंड इन दिल्ली कंटोनमेंट। ठीक है, आपका दिल्ली में मनाया जाता है, दिल्ली में भी आपका करियप्पा, जनरल करियप्पा के नेम पे परेड ग्राउंड है दिल्ली कंटोनमेंट में, वहां पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, एंड डिफरेंट गैलेंट्री अवार्ड्स एंड सेना मेडल्स आर आल्सो अवार्डेड इन दिस डे। सो जिसने भी बहुत अच्छे काम किए हैं उन सभी के लिए ये आपका डेली सेलिब्रेट किया जाता है, और उनको अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। सो ये एक पैशन जनरेट करता है हमारे सोल्जर्स में, हमारे आर्मीज में, आर्मी पर्सन्स में, कि वो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी हिचक के हम सभी लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहें, और हम सभी लोगों को भी सैल्यूट करना चाहिए उन लोगों को, और आगे बढ़ना चाहिए। एंड अगर मैं अदर सिग्निफिकेंस की बात करूंगी कि 15 जनवरी की, सो इन 2020 15 सोल्जर्स वर प्रेजेंटेड विद ब्रेवरी अवार्ड्स, लाइक परमवीर चक्र के बारे में आपने सुना होगा, अशोक चक्र के बारे में सुना होगा। सो परमवीर चक्र एंड अशोक चक्र अवार्डीज पार्टिसिपेट इन द आर्मी डे परेड एवरी ईयर, मिलिट्री हार्डवेयर, न्यूमरस कंटिजेंट्स एंड अ कॉम्बैट डिस्प्ले आर पार्ट ऑफ द परेड। तो इतनी सारे काम करते हैं हमारे आर्मी डे पे, एंड हमारी जो पावर्स उसको हम लोग शो भी करते हैं। बहुत ही जल्दी आपका 26th of January भी आने वाला है, दैट इज द डे वी गॉट रिपब्लिक इंडिया। सो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इन केस अगर आपका कोई सेलिब्रेटर या आपका नेक्स्ट थर्सडे पे कोई डे नहीं हुआ, बट इन दिस थर्सडे हमने क्या किया, आर्मी डे को सेलिब्रेट किया है, एंड आर्मी डे का हमने सेलिब्रेशन प्रॉपर तरीके से किया है। सो इफ यू गाइज लाइक द वीडियो, आपको अच्छा लगा, आपने पता किया कि हमारे सोल्जर्स हमारे लिए क्या करते हैं, अगर आपको लगता है कि उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट लाइक एंड शेयर एंड subscribe the channel, or for army people please like and share. So if you have any comment, any queries, any doubt, you can comment in the doubt section below. So this is all about the video. Thank you for watching the video. Bye bye.